क्वेश्चन नंबर 17 से हमारे क्वेश्चन कुछ चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर जो 20 तक क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि जो सॉल्यूशन सेट है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 17 है हमारे पास 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसका जो ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसको उसी तरह से सोल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट 16 क्वेश्चन में सोल्व किया। तो यहां से 3x माइनस 2 प्लस 2 कर लेते हैं, 2x प्लस 1 और प्लस 2 कर लिया हमने। यहां पे रह गया 3x इज लेस देन यहां पे 2x और ये प्लस 3 हो गया। अब यहां से x को खत्म करेंगे तो 3x माइनस 2x ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और माइनस 2x। तो 3x माइनस 2x x रह जाएगा, x इज लेस देन 2x माइनस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा 3। तो इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। x इज लेस देन 3, x हमारा क्या है, कोई रियल नंबर है। हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। अब देखिए x इज लेस देन 3, 3 देखे पहले यहां पे कहां पे, यहां पे 3 आया हमारे पास। तो इस तरह से हम लगा देंगे x 3 से लेस है तो 3 से लेस इधर, 3 से लेस है तो इसको हम इस साइड को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ये हमारा नंबर लाइन पे इसका इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम डार्क कर देंगे या शेड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इक्वल का साइन होता तो ये जो है इसको भी हम डार्क कर देते, और अगर अब इसको इसी तरह से ओपन रह देते हैं क्योंकि लेस देन है तो 3 से लेस है, 3 नहीं है। अगर इक्वल होता तो हम इसको इस तरह से डार्क कर देते, इसको भी, ये जो हमने छोटा सा सर्कल लगाया है इसको इस तरह से डार्क कर देते अगर ये इक्वल का साइन इसके अंदर होता। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है हमारे पास इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। तो क्या करेंगे, माइनस 3 को खत्म करेंगे, 5x माइनस 3 प्लस 3 कर देते हैं और ये 3x माइनस 5 और प्लस 3। तो यहां से 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x और ये आ जाएगा माइनस 2। अब यहां से माइनस 3x खत्म करने के लिए 5x माइनस 3x कर देते हैं और 3x माइनस 2 माइनस 3x, ये रह जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अब हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो ये सॉल्यूशन सेट हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 कितना है, माइनस 1। अब देखो माइनस 1 यहां पे है, ग्रेटर है माइनस 1 से ग्रेटर है तो इधर का सारा हम इस तरह से इसको डार्क कर देंगे। तो ये हमारा नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप ध्यान रखेंगे कि इक्वल का साइन भी है, तो इक्वल का साइन है तो हम इसको भी इस तरह से शेड कर देंगे। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो हम इसको इसी तरह से ऐसे ही रख देते हैं। तो ये हमारा इसका नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरह से है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास 3 × 1 − x इज लेस देन 2 × x + 4। इसको भी उसी तरह से कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले ये हो जाएगा 3 − 3x इज लेस देन 2x + 8। अब यहां से हमें पहले 3 को खत्म करेंगे तो 3 − 3x − 3 कर देते हैं और ये 2x + 8 − 3 कर देते हैं। तो ये −3x इज लेस देन, तो ये आ जाएगा 2x और प्लस के 5। अब यहां से 2x को और खत्म करना है तो −3x − 2x कर देते हैं तो 2x + 5 और −2x। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा −5x इज लेस देन
ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 5। अब देखो हम डिवाइड करेंगे, हमें x चाहिए, x चाहिए हम, तो माइनस फाइव एक्स और ये जो 5 है तो माइनस फाइव से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस फाइव से इधर किया और माइनस फाइव से इधर किया, तो ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास x आ गया, x इज ग्रेटर देन माइनस 1। अब इसको नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए 0, 1, 2, 3 -1, -2, -3, 4 और ये -1, इस तरह से लगा देंगे। x इज ग्रेटर देन -1, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो इसको शेड नहीं करेंगे, -1 से ग्रेटर इधर वाला ये सारा, इस तरह से हम इसको डार्क कर देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी नंबर लाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास थोड़ा सा उसने बड़ा कर दिया है, एक्स डिवाइड बाई 2 लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 डिवाइड बाई 5। x डिवाइड बाई 2 इज लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3। अब 2, 3 और 5 का जो एलसीएम होगा हमारा 30 होगा, तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 यहां पे भी हम 30 लगा देते हैं और यहां पे भी हम 30 लगा देते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x हो जाएगा लेस देन, यहां से करेंगे 10 आ जाएगा, तो 10 के लिए ये 50x माइनस 20 हो जाएगा माइनस 6 पे, यहां बाहर माइनस का साइन है थोड़ा ध्यान से, 42x माइनस के हो जाएंगे और 18 प्लस के हो जाएंगे हमारे पास ये, तो 15x इज लेस देन 50x माइनस 42x 8x माइनस 20 और प्लस 18 माइनस 2। तो यहां पे हम हो जाते हैं यहां पे इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से x को एलिमिनेट करते हैं, तो 15x माइनस 8x इज लेस देन 8x माइनस 2 माइनस 8x, तो 7x इज लेस देन माइनस 2, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7x डिवाइड बाय 7 इज लेस देन माइनस 2 डिवाइड बाय 7, तो x इज लेस देन माइनस 2 डिवाइड बाय 7। तो हमारे पास 2 डिवाइड बाय 7 देखो कितना होगा, हमारे पास 2 डिवाइड बाय 7 होगा 0.20 हो जाएगा 2 पे, तो 0.2 के आसपास है ये विद माइनस साइन, इसको हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4। अब देखो -2/7, तो 2/7 हमारा 0.2 के आसपास है, 0.2 विद माइनस, यहां पे हमारे पास क्या होगा 0.5 होगा माइनस का, 0.432, तो यहां पे कहीं हमारे पास इस जगह पे हम इसको इंडिकेट कर देते हैं कि ये हमारा -2/7 है ये। अब इससे लेस है तो लेस है, तो इससे इधर आ जाएगा हमारा ये शेड हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी नंबर लाइन से, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो इसको हम डार्क नहीं करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20।